सकते हैं यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 तक इस वचन में बहुत ही सटीक और बहुत ही पवित्रता की बातें लिखी हुई। हालेलुया। और बतलाता है यहाँ पर ही यशायाह अपने जीवन में इस बात को देख रहा है, जिस वर्ष वो उज्जियाह राजा मरा उस समय इस बात को देख करके, और कहता है कि परमेश्वर क्या है, पवित्र 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 है। और अपने आप को देख कर वो अपने जीवन को झांक रहा है और कहता है मैं कैसा वसूट कोट वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम सब लोग अपने जीवन में इस चीज को नहीं देख पाते हैं और हम अपने जीवन में इस बात को अनुभव नहीं कर पाते हैं। और आज हम कई बार हम अपने जीवन को नहीं देख करके आज दूसरों को जीवन को देख करके और हम उन लोगों को गलत समझ लेते हैं। हालेलुया। और यही बात को अगर देखना चाहते हैं तो यशायाह भी एक भविष्यवक्ता था, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता और भविष्यवाणी करता, और वो बीती हुई बातों को भी और आने वाली बातों को और हो रही हर बात को बताकर प्रकट करने वाला इंसान था। पर देखिए आगे हम 5 अध्याय में उसका ये 22 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर ये कुछ बात लिखा हुआ है। वहां पर ही कहता है 5 का उसका 8 22 वचन, हाय उन पर हाय उन पर जो दाख मधु पीने दाख में, मधु पीने में, बीर और मदिरा हाँ बीर और मदिरा पीने में, तेज बनने हाँ तेज में बनाने में। तेज बनाने में बहादुर है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो दूसरों की गलतियों को देख करके वो उन लोगों को हाय बोलता है, तुच्छ समझ रहा है और उसको गलत अपने जीवन में फीलिंग कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। पर इस जगह पर इस चीज को ये नहीं देख पा रहा है कि हो सके शायद इससे भी हम ये जो बोल रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, ये जो सोच रहे हैं, जिसके वजह से हो सके हम गलत हो। हालेलुया। हालेलुया। पर यही बात को ये जब 6 अध्याय में जाते हैं तो उस जगह पर इस बात को हम देख पाते हैं। बहुत अच्छा रीति से कहता है जिस वर्ष वो उज्जियाह राजा मरा उस समय वो परमेश्वर की देवडी पूरा परमेश्वर की आत्माओं से भरा हुआ था। हालेलुया। और चारों तरफ से उसको घेर करके उसकी पवित्रता दिखाई दे रहा है। और ऐसा है जब उस बात को देखा तो वो अपने जीवन में अनुभव करता और कहता है परमेश्वर पवित्र 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 है। हालेलुया। हालेलुया। और उस चीज को देखते हुए अपने आप को एहसास किया और उन्होंने अनुभव करते हुए इस बात को प्रकट करता और कहता है मैं कैसा अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूँ जो दूसरों को मैं देख करके उसको तुच्छ समझता। हालेलुया। 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 मेरे प्रियो, हो सके हम लोग नहीं समझ नहीं देख पाए होंगे पर आज परमेश्वर हमको इस चीज को अनुभव करने के लिए दिखाता है। हमें परमेश्वर अपने आप को झांकने के लिए इस वचन से हमें दिखाना चाहता है। हालेलुया। और इसीलिए कहता है इस जगह लोगों को एक बार हाय बोलता था पर आज इस जगह पर देखते हैं तो इस जगह पर वचन में लिखा हुआ क्या कहता है, हाय हाय हर एक इंसान के लिए एक बार उन्होंने हाय कहा पर अपने समय आया तो उन्होंने 2 बार हाय कहा। हालेलुया। हालेलुया। और क्या कहता है, मैं कैसा अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के मनुष्य बीच हूँ। में। आज मेरे प्रिय, दुनिया में आप घूम करके अपने जीवन में देख सकते हो और देख करके आप अनुभव कर सकते हो। हालेलुया। सच आप देखिए, घूमिए चारों तरफ, देखिए आपको यही चीज दिखाई देगा, हर एक इंसान आज एक दूसरों को गलतियों को देखता है पर अपने आप को देख नहीं में। पाता। हालेलुया। हालेलुया। और यही बातें इस जगह पर ऐसा कि जीवन में इस चीज को हम देख सकते हैं, उन्होंने अपने जीवन में उस गलतियों को देख पाया। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा है कि पुस्तक उसका 20 अध्याय में आप पढ़ेंगे उसका 1 वचन से तो वहां पर भी कुछ ऐसे बातें आप देख सकते हो, बहुत अच्छा रीति से लिखा हुआ है। और वहां पर ही परमेश्वर ने यशायाह से कहा तू जा और इसराइलियों के बीच में तू नंगा होकर के प्रचार कर। हालेलुया। और वो जाकर के उस जगह पर नंगा होकर के लोगों को परमेश्वर के वचन को बतलाने लगा, समझाने लगा। तब लोगों के अंदर में इस बात को देखते हुए नंगाई को देखकर उनको देखा नहीं गया और वो लोग कई प्रकार की भावनाओं को सोचे होंगे, देखे होंगे, परखे होंगे और जाने होंगे। और कहता है कैसा ये राजा होकर के, ये भविष्यवक्ता इतनी बड़ी होकर के ये अपने आप को नंगा होकर प्रचार करता है, ऐसे कई लोग फीलिंग किए होंगे। पर मेरे प्रियो, इस जगह पर उसका नंगाई को देख करके लोग, कई लोग उसकी गलतियों को देख रहे हैं पर उसका गलती नहीं है। वो जो नंगा होकर के जो प्रचार कर रहा है वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो उन जो बैठ करके देख रहे हैं उन सब के लिए कर रहा है। हालेलुया। 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 पढ़ दीजिए थोड़ा, देखते हैं 20 का 1।
जिस वर्ष में असुर के राजा सार्गोन की आज्ञा से तैतान ने अस्दोद आकर उससे युद्ध किया और उसको ले भी लिया, उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जा और अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार। अतः उसने वैसा ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता हाँ, नंगा और नंगे पांव होकर के घूमता फिरता था। हाँ, तब यहोवा ने कहा, हाँ, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष से उघाड़ा और हाँ, 3 साल से वो नंगा हो करके और उघाड़े चेहरे और नंगा पांव ये घूमता रहा और लोगों को प्रचार करता रहा। हालेलुया। और ये इस बात को इस जगह पर बतलाना चाहता था कि बेटे तुम मुझे देखो और देख करके समझो कि लोगों के दृष्टि में मैं कैसा लगता हूँ। हालेलुया। लोगों की दृष्टि में मैं कैसा दिखता हूँ, लोगों की नजर में मैं कैसा इंसान लग रहा हूँ, आप खुद देख करके अनुभव कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे कितना गलत सोच रहे, मुझे कितना गलत फीलिंग कर रहे, हमको लोग सोच करके कितना गंदा गंदा शब्द बोल रहे, हमको देख करके लोग आज सर को झुका रहे, ये नंगा है। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, आज उसका गलतियों को देख रहे, जब आपकी अवस्था होती है और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो लोग कितना आपको बोलते होंगे, कभी आप सोचे। हालेलुया, हालेलुया। इसी यही चीज को आज इस जगह पर यशायाह बतलाना चाहता था। उन्होंने इस नंगाई को अपने जीवन में 6 अध्याय में अनुभव किया और वही अनुभव को परमेश्वर ने उस जगह पर शेयर करने के लिए नंगा होकर के प्रचार करने बोला। बेटे वो लोग नंगाई को अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, पर वो लोगों के बीच में जाओ और नंगा पाओ और नंगे पूरा होकर के तू प्रचार करो। और उन्होंने जा करके वही काम किया और उनको ये चीज बतलाना चाहता था कि तू उन लोगों को बता कि मैं जितना नंगा नहीं हूं उससे तू जाते। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने यशायाह से कहा, बेटे तूने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया, इसीलिए मैं तेरे होठों पर अंगारा डालता हूँ। हालेलुया। और उसके अंगारा लेकर उसके मुंह में टच किया और उसके सारे पाप क्या हो गए, क्षमा हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आज हमारे और आपके जीवन से यही चाहता है, आज हमें शुद्धता और पवित्रता का जीवन देखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए हमें भी कहता है तू भी पवित्र बनो, आपको उन सबको नहीं खुद को पवित्र बनाने के लिए। हम जब खुद को पवित्र बनाते हैं तो लोग हमारे जीवन को देख करके वो लोग भी उस पवित्रता को समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसीलिए हम जरूर इस बात को अपने जीवन में एहसास करें और अनुभव करें और अपने जीवन में आगे बढ़े और लोगों के लिए उन्नति का काम करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु वचन सब सबको आशीष करने पाए।